असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक या आप कह सकते हैं एआरटी या सहायक प्रजनन तकनीक। सहायक प्रजनन तकनीक आगे इसमें तीन सब हेडिंग्स होती हैं, आप उसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम एक एक करके से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आईवीएफ, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि प्रयोगशाला में निषेचन, प्रयोगशाला में निषेचन। ये थी हमारी फर्स्ट सब हेडिंग। सेकेंड इज एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर मीन्स भ्रूण स्थानांतरण। एंड द लास्ट वन इज सरोगेसी, अर्थात किराए की कोख। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट सब हेडिंग आईवीएफ, दैट इज प्रयोगशाला में निषेचन। इसमें क्या होता है आईवीएफ में, चलिए मैं बता देती हूँ आपको। आईवीएफ में जो पुरुष से प्राप्त शुक्राणु है या स्पर्म है और महिला का ओवम या अंडाणु, क्या क्या है, इन दोनों को प्रयोगशाला में नियंत्रित वातावरण में या नियंत्रित टेम्परेचर क्या कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है। तो क्या इनके निषेचन से क्या होगा, पैदा युग्मनज या आप कह सकते हैं जायगोट। तो और इसी जायगोट को नियंत्रित पर्यावरण में आगे एक प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में परिवर्तित करा लिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमेयर। और इसी ब्लास्टोमेयर को या प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था को आगे एक मादा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, मादा के गर्भ में, जहां इस भ्रूण की विकास एवं वृद्धि के बाद वह बच्चा पूर्ण रूप से जन्म ले लेगा। तो ये था कुछ एक फ्लो डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको आईवीएफ बता दिया कि यह क्या होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो आईवीएफ है, इसमें जो सामान्य फर्टिलाइजेशन है, सामान्य निषेचन की प्रक्रिया है, उसके कंपैरेटिवली इसके सफलता की दर कहीं अधिक है। लेकिन जो महिलाएं जो 40 की उम्र को पार कर चुकी है, उनमें आईवीएफ जो तकनीक है ये ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं होती। इनमें केवल 5% चांसेस होते हैं कि ये आईवीएफ की तकनीक सफल हो पाए। क्यों? क्योंकि उस उम्र के बाद उनमें हॉर्मोन्स की अनियमितताएं आ जाती है और जो अंडाणु है उसका एक मैच्योर उसकी फॉर्म नहीं दे पाती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि आईवीएफ आखिर कौन करा सकता है, क्यों लोग आईवीएफ को इतना महत्व देते हैं। आईवीएफ केवल वही मादाएं करवाती हैं या वैसे कोई भी करवा सकती है, लेकिन वे मादाएं जो मां नहीं बन पाती वो आईवीएफ को प्रेफरेंस देती है। और कौन नहीं बन पाती, पहला जिनकी फेलोपियन ट्यूब क्या हो, ब्लॉक हो, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक, एक तो ये कंडीशन है। दूसरा अगर जो उनमें हार्मोन है वो इंबैलेंस हो, यानी कि हार्मोन्स की क्या हो, अनियमितता हो हार्मोनल, जिससे कि वो अंडाणु को मतलब निषेचन के प्रक्रिया से नहीं गुजार पाती हार्मोनल इंबैलेंस के कारण। तीसरा जो उनके द्वारा प्रस्तुत अंडाणु या ओवम है वह एक मैच्योर फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं हो पाता। तो ये तीन कारण हैं जिनके कारण आईवीएफ तकनीक, जिनके कारण से आईवीएफ तकनीक अपनाई जाती है। आईवीएफ तकनीक में जो बच्चा है वो कई बार जुड़वा भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। सबसे पहले आईवीएफ तकनीक पूरे विश्व में कहां हुई थी, आईवीएफ तकनीक का सबसे पहले प्रयोग ब्रिटेन के लुइस ब्राउन द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। लुइस ब्राउन द्वारा कब किया गया था,
1978. तो लुइस ब्राउन एक फर्स्ट आईवीएफ फर्स्ट बेबी था जो आईवीएफ टेक्निक से पैदा हुआ था. और जो आईवीएफ तकनीक से शिशु पैदा होता है उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी या परत नली शिशु भी कहते हैं. तो हम इस शिशु को क्या कह सकते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी या परत नली शिशु. और इसी साल यानी कि 1978 में ही भारत में जो परत नली शिशु जो पहला परत नली शिशु पैदा हुआ वो कौन थी, दुर्गा, जो कि एक फीमेल थी. दुर्गा भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी और इसका कब जन्म हुआ था, 1978 में. तो ये था आईवीएफ के बारे में. अब हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के सेकेंड सब हेडिंग दैट इज एम्ब्रियो ट्रांसफर की ओर बढ़ते हैं. कि एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या है, दैट इज एम्ब्रियो, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, भ्रूण स्थानांतरण. भ्रूण स्थानांतरण में क्या होता है कि ना, सबसे पहले आपको ये बताऊं, भ्रूण स्थानांतरण में जो आईवीएफ और सरोगेसी है ये दोनों ही प्रक्रिया शामिल होती है. जब मान लीजिए जैसे आईवीएफ से आप एक प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था का प्रतिक्रिया निर्माण कर दिया, उस प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था को मादा के गर्भ में स्थानांतरित करवाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भ्रूणीय स्थानांतरण. इसका प्रयोग कहां किया जाता है, इसका प्रयोग ज्यादातर वहां किया जाता है जैसे कि भारत जैसे देश में पशु पशुओं की जो नस्ल है वो काफी न्यूनतर स्थिति की है और नरपुर उच्च किस्म के नस्ल उच्च नस्ली किस्म के पशु नहीं पाए जाते. तो ऐसे में ऐसे पशु जिनकी जो गुण जो है उच्च किस्म के हैं उच्च नस्लीय गुण है उनका जो जीन है उसको हम न्यूनतर गुण वाली मादा में स्थानांतरित करा देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हम ऐसे भ्रूण को प्राप्त कर सके. इसको हम एक डायग्राम से समझ लेते, शायद आपको ऐसा समझ नहीं आएगा. एम्ब्रियो ट्रांसफर में क्या होगा, भ्रूण स्थानांतरण में जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था. या मैंने अभी पहले आपको बताया कि जो एम्ब्रियो ट्रांसफर किसकी बात की प्रक्रिया है, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या सरोगेसी की बात की. इसमें क्या होगा, जब आईवीएफ में ये ब्लास्टोमेर या प्रारंभिक भ्रूणी अवस्था का निर्माण हो जाता है तो इसको इसके बाद इस प्रक्रिया के अंदर जो कोशिकाएं उपलब्ध है इसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमेर या प्रारंभिक भ्रूणी अवस्था है. जो जो ये चार कोशिकाएं उपलब्ध है इनको अलग अलग कर लिया जाता है, चार पांच, तो इन कोशिकाओं को अलग अलग कर लिया जाता है. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो ये ब्लास्टोमेर है यानी कि प्रारंभिक भ्रूण अवस्था इसकी जो कोशिकाएं हैं हम क्या कहते हैं, टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स या टोटिपोटेंट स्टेम कोशिका. तो और इनकी क्या विशेषता है, ये कोशिकाएं जो संपूर्ण भ्रूण का निर्माण कर सकती है अर्थात पर संपूर्ण भ्रूणीय कोशिकाओं में विभाजित हो सकती है. तो ये जो टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स है इनको क्या करेंगे कि भी सरोगेट मदर्स को, ये मान लीजिए सरोगेट मदर्स है तो हम इनको ऐसे 8 सरोगेट मदर्स ले लेंगे और उनमें क्या करेंगे, इस कोशिका को स्थानांतरित कर देंगे. तो जिससे कि क्या होगा, तो जो 8 सरोगेट मदर्स है जो वो क्या करेंगे, आगे हमें जो चाहिए भ्रूण मतलब जो उच्चतर की नस्ल का हमें पशु चाहिए उसको आगे वो जन्म दे देगी. जिससे कि क्या होगा कि जो उच्च नस्ल वाले एक तो हमें पशु प्राप्त होंगे, साथ ही साथ हम पशुओं की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और साथ ही कम समय में अधिक पशुओं को जन्म दे सकते हैं. तो ये था एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी कि एम्ब्रियो ये क्या है, भ्रूण का ट्रांसफर, किसमें, सरोगेट मदर्स में, ताकि वो उच्चतर किस्म के नस्ल के पशुओं को आगे जन्म दे सके. तो ये हमने समझ लिया कि एम्ब्रियो ट्रांसफर कैसे होता है पशुओं के माध्यम से. तो अगला है हमारा, नेक्स्ट इज सरोगेसी या किराए की कोक. सरोगेसी आए दिन एक विवादित मुद्दा बना हुआ है. क्यों बना हुआ है अभी हम देख लेंगे, पहले देख लेते हैं कि सरोगेसी क्या है. सरोगेसी में क्या होता है कि एक अनुबंध के तहत जो सरोगेट मदर है
सरोगेट मदर एक अनुबंध के तहत जो प्रारंभिक भ्रूण को अपने गर्भ में निवेशित करा देती है, निवेशित कराती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रारंभिक भ्रूण को अपने गर्भ में अपने गर्भ में निवेश करवा के उसका विकास एवं वृद्धि कराएगी और उस बच्चे के 9 महीने के बाद उसके जन्म के बाद जिसके जिसके साथ उस महिला का अनुबंध है उनके उस दंपत्ति के साथ उस दंपत्ति को वह जो शिशु है वो सौंप देगी। तो क्या है इसमें एक सरोगेट मदर एक अनुबंध के तहत प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था प्रारंभिक भ्रूण को अपने गर्भ में निवेश करा देती है, गर्भ में निवेश कराएगी और क्या होगा 9 महीने बाद, 9 महीने जब शिशु उसकी कोख में विकास एवं वृद्धि का जो प्रक्रिया है वो पूरी कर लेगा उसके बाद जन्म के तुरंत बाद यह महिला इस शिशु को जो उसके जैविक पेरेंट्स है बच्चे के उसको सौंप देगी, जन्म के बाद शिशु को दंपति को सौंप देगी। तो ये थी पूरी प्रक्रिया जो कि एक अनुबंध है इसके सरोगेट मदर और दंपति के मध्य। तो ये था सरोगेसी के बारे में। अब सरोगेसी से रिलेटेड क्या मुद्दे हैं, क्या क्या कारण है कि सरोगेसी लगातार विवादों में बना हुआ है। पहला कि जो ये सरोगेट मदर है कई बार देखा गया है कि इसके जो शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है, इसकी इसके इससे सेवाएं तो प्राप्त कर ली जाती है इस दंपत्ति के द्वारा, लेकिन उसके बदले उसके चिकित्सीय सुविधा या स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अनुबंध के तहत वो जो दंपत्ति होती है उनमें आपसी कलह के कारण कई बार वो तलाक ले लेते हैं जिससे कि फ्यूचर में जो सरोगेट मदर की कोख में बच्चा पल रहा है वो फ्यूचर में यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि वह बच्चा अब कहाँ जाए, कौन उसका जैविक पेरेंट होगा यानी कौन उसका संरक्षक कहलाएगा। तो इन्हीं सब कारणों से काफी कारण है इन्हीं सब कारणों से एक 2017 में बिल पेश किया गया जिसे क्या कहते हैं एआरपी बिल, मीन्स असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल 2017। इस बिल में क्या कहा गया, सर्वप्रथम यह कहा गया है जो ये सरोगेसी है ये कोई व्यावसायिक प्रक्रिया नहीं है, ये कोई कमर्शियल बिजनेस नहीं है कि जिसे आप यूज कर ले कि आप रुपए दिए और आपने चलो जी बच्चे को आपने जन्म दे दिया चलो ये बच्चा आप हमारा, ठीक है, यानी कि ये तो एक तरह से बिजनेस ही हो गया कि आप रुपए देंगे आप हमें बच्चा दे दो। लेकिन उन्होंने एआरटी बिल के अकॉर्डिंग ये साफ साफ कहा गया कि सरोगेसी कोई व्यावसायिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक निस्वार्थ सेवा है। क्या है, निस्वार्थ सेवा है जिसमें कि सरोगेट मदर को कोई मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाएगा, परंतु इस सरोगेट मदर को पूरी चिकित्सीय सुविधा या स्वास्थ्य बीमा इसके द्वारा प्रदान किया जाएगा दंपति के द्वारा जो कि बेबी को सरोगेट के प्रक्रिया से गुजारना चाहते हैं। तो ये दोनों चीज कौन प्रोवाइड करेगा, दंपति, ठीक है। तो ये देखा कि जो सरोगेट मदर को अब क्या होगा, कोई भी मौद्रिक अनुदान या फिर कोई भी गिफ्ट नहीं दिया जा सकता, केवल आप उसको चिकित्सा सुविधा या स्वास्थ्य बीमा दंपति के द्वारा प्रदान किया जा सकता है। दूसरा, इस बिल में यह भी कहा गया कि जो सरोगेट मदर और दंपत्ति के बीच दंपत्ति इन दोनों के द्वारा एक प्रमाण पत्र पर एक हस्ताक्षर किए जाएंगे कि ये दोनों सरोगेसी जैसी प्रक्रिया में संलिप्त हो रहे हैं और जो भी इनकी जिम्मेदारी जो बच्चे के प्रति है इन्हीं की आगे बनती है।
तो और ये एक अथॉरिटी बनाई जाएगी इस बिल के तहत जो कि इस प्रमाण पत्र को जारी करेगी जिस पर सरोगेट मदर और दंपति दोनों हस्ताक्षर करेंगे। तो इसी बिल के अकॉर्डिंग सरोगेट मदर और दंपति के लिए कुछ प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। उन प्रावधानों पर हस्ताक्षर यानी कि इस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही कोई जो दंपति है वो सरोगेसी की प्रक्रिया को अपना सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सरोगेट मदर के केस में कि उसके लिए क्या प्रावधान निश्चित किए गए हैं। पहला, सरोगेट मदर क्या है, वो शादीशुदा होनी चाहिए, शादीशुदा। दूसरा, प्लस इसी में लिख लेती हूं मैं, दूसरा उसके पहले से बच्चे होने चाहिए। तो ये हमारी पहली कंडीशन थी। इसके साथ यह सरोगेट मदर मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए। तो तीसरा क्या है, जो सरोगेट मदर है इसकी उम्र 25 से 35 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। और लास्ट, यह जो सरोगेट मदर है वो दंपत्ति की कोई करीबी रिश्तेदार होनी चाहिए, करीबी रिश्तेदार। तो ये देख ली हमने कुछ सरोगेट मदर की जो कंडीशंस है वो इस बिल के अकॉर्डिंग हमने देख ली क्या क्या है। अब हम दूसरा देख लेते हैं दंपत्ति के लिए या फिर पेरेंट्स के लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है। सर्वप्रथम पहले कि उनकी शादी को कम से कम 5 वर्ष पूरे हो जाने चाहिए, प्लस साथ ही इसमें क्या है देखेंगे हम कि उनका कोई पहले बच्चा ना हो, बच्चा मीन्स क्योंकि कोई गोद लिया हुआ या फिर कोई सरोगेट बच्चा पहले ही हो तो वो इस सरोगेसी का वो लाभ नहीं उठा सकते। हाँ, लेकिन अगर उनका शिशु है लेकिन वो मानसिक या शारीरिक रूप से असक्षम है तो वह सरोगेसी की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। दूसरा, जो ये पेरेंट्स हैं दंपति हैं इसमें महिला की उम्र कितनी होनी चाहिए, 23 से 50 के वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि पुरुष की आयु 26 से 55 वर्ष होनी चाहिए। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इन दंपति में से, इन पेरेंट्स में से कोई एक या पुरुष या महिला कोई एक इनफर्टाइल हो यानी कि वो बच्चा प्रोड्यूस करने में सक्षम ना हो, यानी कि इनफर्टाइल हो कोई एक तो ही वह सरोगेसी की प्रक्रिया को अपना सकता है। तो ये था पूरा एआरटी बिल के बारे में जो कि 2017 में पेश हो चुका है। तो ये हुआ असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, हमने कंप्लीट कर लिया। तो उसके बाद हम कुछ टर्म्स देख लेंगे। पहले आईवीएफ से रिलेटेड ही है जो काफी करंट में देखी जा रही है, दैट इज टीपीआईएफ। टीपीआईएफ मीन्स, टीपी मीन्स थ्री पेरेंट्स आईवीएफ, थ्री पेरेंट्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और दूसरा हम देखेंगे डिजाइनर बेबी। छोटे छोटे टर्म्स है, फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट इज TP-IVF मीन्स, ये क्या हुआ, थ्री पेरेंट्स IVF मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब ऐसा निषेचन जिसमें कि तीन पेरेंट्स संलिप्त हो। जो TP-IVF का सर्वप्रथम जो सिद्धांत था वो कब आया, यह सर्वप्रथम फरवरी 2015 में सामने आया। इसमें क्या होता है कि जब कोई माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कोई आनुवंशिक बीमारी हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए तीन पेरेंट्स का सहयोग लिया जाता है। किस समय, निषेचन के प्रक्रिया के दौरान। जब माइटोकॉन्ड्रिया में अगर कोई विकार होंगे
तो अनुवांशिक रूप से शिशु में कौन सी बीमारी उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि हृदय की, यकृत की, या फिर मस्तिष्क रिलेटेड पार्किंसंस डिजीज, ये सब बीमारियां अनुवांशिक रोग हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में विकास के कारण। और इन्हीं सब विकारों को दूर करने के लिए TP-IVF तकनीक को अपनाया गया। अब ये TP-IVF तकनीक क्या है इसको हम देख लेंगे। प्रत्येक वर्ष जो माइटोकॉन्ड्रिया में विकार होने के कारण प्रत्येक वर्ष 6500 से अधिक बच्चे अनुवांशिक रोगों से विकृत हो रहे हैं, तो इसी कारण इस तकनीक को अपनाया गया है। तो एक फ्लो डायग्राम के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि ये तकनीक है क्या। अगर एक सामान्य निषेचन देखें तो उसमें क्या होता है, एक शुक्राणु होता है और एक अंडाणु, वो आपस में क्या करते हैं, निषेचन करते हैं, उसके बाद जायगोट बनता है, जायगोट से आगे एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से आगे आप शिशु का जन्म होता है। तो इसको मैं डायग्राम के माध्यम से समझ लेती हूँ मैं। तो ये मान लीजिए ये क्या है, शुक्राणु या स्पर्म। ये क्या है, शुक्राणु। और इस साइड में बना देती हूँ वो एक ओवम या अंडाणु, जिसमें कि ये क्या है, बीच में अनुवांशिक पदार्थ या डीएनए, और इसमें एक एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक्स्ट्रा डीएनए भी पाया जाता है। नॉर्मली जो डीएनए है, जो हमारे अंदर जीन है, वो कितनी, उनकी संख्या कितनी है, हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ा था कि जीन की संख्या होती है 25,000 to 30,000, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में इनकी संख्या होती है 37 जीन उपस्थित होते हैं। तो ये भी हम देख लेंगे, पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं कि ये है क्या। अब ये क्या है, अंडाणु। अब जो शुक्राणु में ये आगे होता है, यहाँ एक एंजाइम उपस्थित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम। और ये क्या है, ये हॉर्मोन्स है, या फिर आप कह सकते हैं कि अनुवांशिक पदार्थ या केंद्रक इसमें उपस्थित होता है, ये आप कह सकते हैं डीएनए। और ये क्या है, अंडाणु में ये इसका न्यूक्लियस या केंद्रक, और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। आप इसे न्यूक्लियस लीजिए क्योंकि न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर ही तो क्या मिलता है हमें, अनुवांशिक पदार्थ या डीएनए। तो चलिए देखते हैं अब क्या होगा। जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो यह जो एक्रोसोम है, स्पर्म क्या करता है, शुक्राणु अंडाणु से जाकर जुड़ जाता है। तो क्या होगा, ये अंडाणु के पास जाता है और क्या करता है, इसको भेदता है। जो इसका यहां पर हमने एक्रोसोम देखा है, एक्रोसोम अंडाणु की बॉल को क्या करता है, भेदता है, यानी इसे तोड़ देता है, जिससे कि जो इसका वो अनुवांशिक पदार्थ था या डीएनए था न्यूक्लियस में उपस्थित, वो क्या चल जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, किसका निर्माण करेगा, युग्मनस या जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये मान लीजिए ये क्या हो गया, जायगोट, और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जो ये अंडाणु है, जो ये अंडाणु था, इसके अंदर जो शुक्राणु का केवल क्या अंदर आया है, सिर्फ और सिर्फ ये न्यूक्लियस का अनुवांशिक पदार्थ या डीएनए, डीएनए ही अंदर आया है। तो जो ये डीएनए है न्यूक्लियस में, जो डीएनए उपलब्ध है, ये क्या है, मदर और फादर दोनों का डीएनए है, मतलब माता और पिता दोनों का डीएनए है। जबकि इस जायगोट या युग्मनज में, क्या है, जायगोट या युग्मनज, इस जायगोट में जो अनुवांशिक पदार्थ जो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित है, ये वाला, यह किसका है, सिर्फ और सिर्फ मदर का है, ये मदर का है। तो ये था, तो ये सामान्य प्रक्रिया है जो निषेचन के दौरान होती है, ठीक है। तो इसमें हमने देख लिया कि जो अनुवांशिक रूप से विविधता, अनुवांशिक रेखा है, वो किसकी है, मातृत्व रेखा है। क्यों, क्योंकि जो जो माइटोकॉन्ड्रिया जायगोट में बनता है वो किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए किसका होता है, मदर का होता है,
और जो न्यूक्लियस में डीएनए होता है वो मदर और फादर दोनों का होता है। लेकिन अब क्या जरूरत पड़ी टीपी आईवीएफ की? कई बार देखा गया है कि कई बार जो मदर का जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, इस डीएनए में कई बार विकार आ जाते हैं जो कि अनुवांशिक रोगों का कारण बनता है, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है पार्किंसंस डिजीज, आंखों से रिलेटेड, यकृत से रिलेटेड कई ऐसे रोग हैं जो कि इस डीएनए में विकार के कारण प्रकट हो जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ अंडाणु में उपस्थित है इसको निकालकर हम किसी स्वस्थ महिला, स्वस्थ अंडाणु से उसके माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ डाल दिया जाए। मीन्स अभी हम देख लेते हैं, चलिए यहाँ हम देख लेंगे, दोबारा से बता दूंगी। हाँ, अब मान लीजिए जो ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, ये विकार है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ये दो पेरेंट्स है, फर्स्ट मेल दूसरी फीमेल, उसका शुक्राणु दूसरे का अंडाणु, और तीसरी महिला जिसका कि हम क्या लेंगे, ये अंडाणु, ये क्या है हमारी तीसरी महिला है, ठीक है। इसमें भी क्या है, डीएनए उपलब्ध है और अनुवांशिक पदार्थ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी उपस्थित है। तो अब हमें पता है कि जो ये अंडाणु है जिसके साथ निषेचन करना है शुक्राणु को, इसमें विकार है। तो हम क्या करेंगे, जो ये तीसरी महिला है, तीसरी पेरेंट है, इसके जो ये अनुवांशिक पदार्थ है इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो अब क्या बच गया, सिर्फ एक रिक्त अंडाणु बच गया, जिसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक वो है, सिर्फ और सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए है। तो यहां देख लेते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या बच गया, एक ये क्या है, रिक्त अंडाणु है, रिक्त अंडाणु। क्यों रिक्त क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, कोई अनुवांशिक पदार्थ प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट है। अब इस रिक्त अंडाणु के अंदर हम इस जो मादा है, महिला है, इस मादा का हम क्या करेंगे, इस महिला का अनुवांशिक पदार्थ को इसको हम स्थानांतरित कर देंगे। तो इसमें अनुवांशिक पदार्थ किसका आ गया, इस महिला का आ गया। तो अब ये क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, अब जो ये शुक्राणु निषेचन के लिए क्रिया करेगा, तो ये निषेचन के लिए किसके पास आएगा, इस अंडाणु के पास आएगा। तो क्या होगा, जब ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर क्या करेगा, एक्रोसोम के माध्यम से पहले क्या करेगा, अंडाणु की वॉल को क्या करेगा, दीवार को भेदेगा, और उसके बाद अपना जो अनुवांशिक पदार्थ है इसमें प्रवेश करा देगा। और उसके बाद क्या होगा, जो जायगोट का निर्माण होगा, जायगोट का निर्माण होगा, उसमें जो अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित है उसमें किसका अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होगा, फादर और मदर, ये इसका अनुवांशिक पदार्थ जो कि यहाँ पे हमने डाल दिया है, और दूसरा अनुवांशिक पदार्थ इस मदर का, माता का, जिसने अपने रिक्त अंडाणु में अनुवांशिक पदार्थ डाला है। तो ये अनुवांशिक पदार्थ हो गया माता प्लस पिता। जबकि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, वो किसका है, इस डोनर का है। ये क्या है, डोनर बोल देते हैं, इस डोनर पेरेंट का है जिसने अपने स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को यहाँ पे प्रदान किया निषेचन की प्रक्रिया के लिए। तो इस निषेचन की प्रक्रिया के दौरान जो ये आया है, ये माइटोकॉन्ड्रियल किसका है, ये है डोनर मदर का। तो आप देख सकते हैं कि इस डायगोट फॉर्मेशन में कितने अनुवांशिक पदार्थ हैं, पहला दूसरा, ये पहला पेरेंट माता का डीएनए, पिता का डीएनए अनुवांशिक, और तीसरा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो कि डोनर के द्वारा दिया गया है। तो ये थी पूरी तकनीक जिसमें आईवीएफ में तीन पेरेंट्स हम इंक्लूड करते हैं। इसको मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, क्या होगा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्यों इसे, इस तकनीक को हम थ्री पेरेंट्स तकनीक कहते हैं, मतलब जिसमें तीन पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, एक मदर फादर और तीसरा डोनर मदर, जिसका कि हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यूज कर रहे हैं। अब इसके क्या हम देख लेते हैं कि नुकसान क्या है टीपीआईएफ के, क्या नुकसान है। कई बार क्या होता है, इसके माध्यम से डिजाइनर बेबी की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा मिलता है। फर्स्ट इज डिजाइनर बेबी,
इस सिद्धांत को बढ़ावा मिलता है। ये क्या है, अभी हम इसे आगे पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम यही डिस्कस करेंगे, डिजाइनर बेबी के प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो दूसरा, अभी हमने देखा कि जायगोट में तीन अनुवांशिक पदार्थ, तीन पेरेंट्स अनुवांशिक पदार्थ आ जाते हैं। तो क्या होता है कि कई बार जो डीएनए में क्या है, अप्राकृतिक बदलाव भी आ सकते हैं, बदलाव। और तीसरा, अभी यह प्रक्रिया टीपीआईएफ की प्रक्रिया सिर्फ मतलब अनुसंधानिक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया है, जानवर पर इसका उपयोग किया गया है, लेकिन अभी मानव पर इसका प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसका क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसका अभी हमें स्पष्ट रूप से पता नहीं है। तो ये थे टीपीआईएफ। अब हम देख लेते हैं टीपीआईएफ के, ये तो हमें देख लिया कि नुकसान है, इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है कि अगर किसी के माइटोकॉन्ड्रियल के डीएनए में विकार है, तो हमने क्या देखा कि उसके माइटोकॉन्ड्रियल के डीएनए को हम बदल सकते हैं किसी डोनर से। तो जो भी हमने ये तकनीक है टीपीआईएफ, इस पूरी तकनीक को हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ट्रांस, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइंडल ट्रांसफर, क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल स्पिंडल, इस तकनीक को हम माइटोकॉन्ड्रियल स्पिंडल ट्रांसफर तकनीक भी बोलते हैं, स्पिंडल ट्रांसफर। तो क्या फायदा है इससे कि एक तो माइटोकॉन्ड्रियल जो विकार है उसको डोनर के माइटोकॉन्ड्रियल से बदलकर उसको हम स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे कि अनुवांशिक रोगों से बचा जा सकता है। दूसरा, इसके इस प्रक्रिया से हम जो क्या है अनुवांशिक रोगों के साथ साथ कई बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो अनुवांशिक विकार के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है, पार्किंसन डिजीज होती है, यकृत में खराबी हो सकती है, आंखों में खराब हो सकती है, तो इन सभी बीमारियों का जो निदान भी इस तकनीक के माध्यम से किया जा सकता है। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि अभी अनुसंधान के क्षेत्र में उसका अनुसंधान किया जा रहा है, जैसे जैसे इसका अभी अनुसंधान आगे बढ़ेगा तो पता लगता रहेगा कि हमारे इसकी डे टू डे लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट्स है। तो आगे देखते हैं डिजाइनर बेबी, डिजाइनर बेबी क्या है, इसे डिजाइनर बेबी क्यों कहा जाता है, इसे हम देख लेते हैं। नाम से ही पता लग रहा है डिजाइनर बेबी अर्थात कि वह बेबी जिसका कि डिजाइन किया गया हो, मतलब अनुवांशिक रूप से प्रयोगशाला में किसी भ्रूण में कोई जीन्स का बदलाव करना या फिर किसी जीन्स को जोड़कर भ्रूण का निर्माण करना या किसी शिशु के निर्माण को क्या कहते हैं, डिजाइनर बेबी। डिजाइनर बेबी का जो ये प्रक्रिया है ये किस माध्यम से होती है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। लेकिन ये जो प्रक्रिया है डिजाइनर बेबी, काफी देशों में संपूर्ण मतलब मैक्सिमम देशों में आप बोल सकते हैं ये बैन है। क्यों बैन है, क्यों, क्योंकि इस अब एक एक करके हम इसके सारे कारण देख लेते हैं। सबसे पहला इसका जो कारण है कि क्यों बैन है, नैतिक मुद्दा। नैतिक मुद्दा क्या है कि कई बार क्या होता है कि इस डिजाइनर बेबी की प्रक्रिया के दौरान मतलब कि इन जीन्स के बदलाव या फिर जीन्स को जोड़ने की प्रक्रिया में कई बार भ्रूण नष्ट हो जाता है, जिस कारण इस सिद्धांत को अवॉइड किया जाता है। दूसरा, डिजाइनर बेबी के प्रयोग से आप देखेंगे कि जो संपूर्ण विश्व में सिर्फ दो, संपूर्ण विश्व दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, एक सामान्य बेबीज और दूसरा डिजाइनर बेबीज, मतलब कि संपूर्ण विश्व सामान्य बेबी एवं डिजाइनर बेबीज में शॉर्ट फॉर्म में डिजाइनर बेबीज में डिवाइड हो जाएगा। और तीसरा कि अनुवांशिक जो विविधता है वो भी कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हम जो डिजाइनर बेबी में अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जीन्स डालेंगे, मतलब जो बदलता वातावरण है पर्यावरण में उसके अकॉर्डिंग जो बेबीज को उसमें अनुवांशिक बदलाव आने चाहिए वो बदलाव हम आने नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। तो क्या है, अनुवांशिक जैव विविधता का ह्रास, अनुवांशिक जैव विविधता ह्रास। और इसके बाद क्या होगा, ऐसा भी कहा जाता है इस तरह से आप जो भ्रूण है उसके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप भ्रूण में जो बदलाव कर रहे हैं उसमें आपका भ्रूण से तो मत नहीं ले सकते ना, तो इसलिए क्या हो रहा है, भ्रूण का जो अधिकार है उसका हनन, अधिकार हनन। तो इन कारणों से जो डिजाइनर बेबी का जो ये काफी जो सिद्धांत है विवादों से घिरा हुआ है। तो
लेकिन डिजाइनर बेबी के कुछ फायदे भी हैं जिसको हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम डिजाइनर बेबी के सिद्धांत की प्रक्रिया अपनाने के बाद जो सर्वप्रथम पहला जो इसका सबसे बड़ा उपयोग क्या है कि इससे जो बेबी है शिशु है इसकी जीवन प्रत्याशा आप 30 वर्ष से अधिक बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो आनुवंशिक रूप से जो उसमें बीमारियां जीन्स में बीमारियां उसकी उपस्थित हैं उसका आप निदान कर सकते हैं कि आनुवंशिक बीमारियों का निदान आनुवंशिक बीमारी निदान। और तीसरा क्या है जो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जो बीमारी है माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी बीमारी हो सकती है मस्तिष्क से रिलेटेड जैसे अल्जाइमर्स डिजीज यकृत की बीमारी आंख संबंधी बीमारी इन सभी में बीमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से रिलेटेड जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में विकार हो जाते हैं उससे रिलेटेड जो बीमारी है उसका भी हम क्या है इससे निदान कर सकते हैं। तो ये था डिजाइनर बेबी के कुछ फायदे के बारे में। तो इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक कंप्लीट होता है और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो अब हम जो नेक्स्ट वो वीडियो है वो हम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो कल प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू सो मच।